साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। शरद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राहुल गांधी, बोले मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा है। पीएम मोदी की सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक, पुलिस ने कहा प्रधानमंत्री ने ही लड़के को माला पहनाने की दी थी इजाजत। हरियाणा के पूर्व मंत्री के बेटे ने किया आत्महत्या, कुछ दिन पहले ही जारी किया था एक ऑडियो, INLD प्रदेश प्रमुख समेत छह के खिलाफ केस दर्ज। मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले स्वयंसेवकों के लिए प्राचीन काल से हनुमान और इतिहास काल से छत्रपति शिवाजी महाराज हैं आदर्श। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, बोले सब कुछ आपके ही कंट्रोल में रहे तो दिल्ली में निर्वाचित सरकार क्या करेगी। महाराष्ट्र में बस और ट्रक के बीच टक्कर, 10 लोगों की मौत, 20 घायल, साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे यात्री। पहाड़ पर बर्फबारी से उत्तर पश्चिम भारत में टूटेगा रिकॉर्ड, मकर संक्रांति पर सीजन की सर्दी पीक पर रहेगी, दिल्ली में बारिश के बाद ठंड बढ़ी। केंद्रीय IT राज्य मंत्री चंद्रशेखर का बयान, बोले स्वयं न्यायिक निकाय पर नहीं होगा उद्योगों का कब्जा। मुंबई सत्र न्यायालय से ममता को राहत, राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले में समन खारिज। तेलंगाना के सीएम KCR ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा देश देखेगा तालिबान जैसी स्थिति देखेंगे। नहीं रहे शरद यादव, दिल्ली में आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर, कल होगा अंतिम संस्कार। CBI कोर्ट ने गुवाहाटी एयरपोर्ट का CCTV फुटेज मांगा, इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व वकील ने दावा किया था शीना बोरा जिंदा है। कश्मीर में भूस्खलन से 2 मजदूरों की मौत, सोनमर्ग में MEIL में काम करते थे, दोनों हैदराबाद के रहने वाले थे। जोशीमठ में 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा, ISRO के सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शहर तेजी से धंसना शुरू हुआ। बक्सर में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर पत्थर फेंका गया, किसानों ने अश्विनी चौबे के खिलाफ की नारेबाजी, सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित निकाला। दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज, पीएम मोदी ने बटन दबाकर किया रवाना। रामपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला नर्स का शव, हाथ कटा हुआ था, सिर में भी थी चोट, माता पिता से अलग रहती थी। एनकाउंटर में 50,000 का इनामी ढेर, D84 गैंग का सरगना था, कल्लू सपा नेता के घर में डाली थी डकैती। गाजियाबाद में एनिमल लवर, 2 महिलाओं पर FIR, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर रार बढ़ी, सोसाइटी के लोग रात में टेंट तंबू लगाकर धरने पर बैठे। गोरखपुर में कोल्ड डे के साथ कोल्ड वेव शुरू,
3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मिनिमम टेम्परेचर। घने कोहरे की चादर में लिपटा शहर। शादी से मना करने पर 12वीं की छात्र की साजिश, लड़की को फंसाने के लिए खुद को मारी ब्लेड, दोस्त से कराए धमकी भरे फोन। मेदांता एम्स पीजीआई इलाज के लिए जालसाजी दवा, इंजेक्शन के लिए 100 से ज्यादा लोगों को लाखों की ठगी, एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया। नाश्ता बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, बुझाने में एक युवक झुलस गया, मशक्कत कर लोगों ने बुझाई आग, घर का सामान जला। सीतापुर में बारिश के बाद मौसम हुआ साफ, धूप खिली, दो सड़कों पर निकले लोग, मौसम विज्ञानी बोले सर्दी का दूसरा फेज आना बाकी। रायबरेली में सड़क हादसा, नीलगाय से सिपाही टकराए, मौके पर मौत, पुलिस महकमे में शोक की लहर। बरेली और बदायूं के बीच छिड़ सकती है गैंग वॉर, बरेली में 1000 बीघा खादर की जमीन को लेकर ट्रिपल मर्डर में बदायूं के 3 हमलावर अरेस्ट। नवविवाहिता जोड़े के कमरे में मिले शव, फंदे पर लटका मिला युवक, कमरे में फर्श पर पड़ी थी पत्नी की लाश, 8 महीने पहले हुई थी शादी। कानपुर में पति पत्नी की हत्या करके डकैती, बहू के हाथ पैर बांधकर कमरे में डाला, 5 नकाबपोश बदमाशों ने की वारदात। मेरठ में पुलिस और गोकश में मुठभेड़, माधवपुर में गोकशी करने वाले राजा को लगी गोली, घायल हो गए। श्रावस्ती की नई एसपी होंगी प्राची सिंह, 2017 बैच के हैं आईपीएस, सरकार ने देर शाम जारी किया आदेश। ठंड में भी कानपुर में जल संकट, लाइनों में लीकेज के चलते 10 लाख को नहीं मिला पानी, आज भी नहीं होगी सप्लाई। बहराइच एसपी ने किया परेड का निरीक्षण, अनुशासन बनाए रखने के लिए कराए टोलीवार ड्रिल। मथुरा में लोहड़ी महोत्सव में झूमे लोग, पंजाबी एसोसिएशन ने किया प्रोग्राम, सिंगर मनु और कौर दिलवर के गानों पर झूमे लोग। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव, 11 प्रत्याशियों द्वारा 15 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, आज नामांकन पत्रों की जांच। अंबेडकर नगर में धान तौल के लिए किसान परेशान, कड़ाके की ठंड में किसानों की 200 से अधिक ट्रॉली तेल इंतजार में खड़ी है। औरैया में करंट से झुलसकर युवक की मौत, घरेलू लाइन सही करते समय 11000 वोल्ट की चपेट में आया था। गिरिबान पकड़ने से युवक की मौत, 10 दिन पहले युवक ने बेची थी स्कूटी, रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर हुआ था विवाद। शताब्दी वर्ष की तैयारियों को लेकर आजमगढ़ में आरएसएस का मंथन, 98 वर्ष के आरएसएस के इतिहास में सरकार विभाग का पहला दौरा। कानपुर देहात की कमान, बीजीटीएस मूर्ति संभालेंगे, बोले अपराध नियंत्रण और यातायात सुधारना प्रथम लक्ष्य, 2015 के हैं आईपीएस। बेस्टोर में हाईवे किनारे मिला स्मार्ट सिवेट का शव, वन अफसरों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, शरीर पर मिला घाव का निशान।
आगरा में विश्वविद्यालय के ललित कला संस्थान में हुआ प्रदर्शनी का अवलोकन, आगरा डीएम ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन। फिरोजाबाद में साई लॉज पर महिला पुलिस को साथ लेकर सीओ ने मारा छापा, लॉज में बिना एंट्री के मौके पर पकड़े गए चार प्रेमी जोड़े। गोंडा में ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकारी सीएसडीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारियों पर रोक लगाई। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। देवीपाटन मंडल के सांसद और विधायक के साथ मुख्यमंत्री ने किया संवाद, विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री ने जाना हाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी देर रात डोली धरती, 2.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता, जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं। मंदिर में प्रवेश करने पर स्वर्ण युवकों ने अनुसूचित जाति के युवक को कोयले से दागा, आरोपित गिरफ्तार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मनतांत्रण के मामले में आरोपित महिला गिरफ्तार, ग्रामीणों को लोभ लालच देती थी ट्यूशन पढ़ाने वाली एकता। लेखपाल पेपर लीक मामले में पोल न खुलती तो आरोपित का बेटा बन जाता लेखपाल, अब अन्य परीक्षाओं को लेकर भी उठ रहे हैं सवाल। जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास से पहले धर्मस्थलों की क्षमता परखेगी जीआईएसएच, चमोल में बन चुके 3 स्थल। जोशीमठ को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों ने एनटीपीसी परियोजना को बताया जिम्मेदार, कहा नहीं हो सकती जोशीमठ की मरम्मत। उड़ान योजना के लिए पांचवें चरण के लिए भेजेगा प्रस्ताव, उत्तराखंड में इन 3 और संस्थानों पर शुरू होगी हेली सेवाएं। बसंत पंचमी को तय होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि, महाराजा मनुजेंद्र शाह करेंगे विधिवत घोषणा। सीएम धामी ने बुलाई कैबिनेट बैठक, जोशीमठ पुनर्वास और राहत पैकेज पर हो सकता है फैसला। उत्तराखंड के चोटियों पर हिमपात, पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड, रुद्रप्रयाग जिले में छाए बादल, केदारनाथ में हो रही है बर्फबारी। जेईई और प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक, एसटीएफ पर कर सकती है बड़ी खुलासे। पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर लीक परीक्षा रद्द, अधिकारी ने पत्नी के साथ मिलकर बेचे 380 सवाल। लोन ऐप से 300 करोड़ उड़ाने वाली चीनी ठगों का भारतीय साथी गिरफ्तार, कई ऐप के नाम भारतीय जैसे। दसवीं पास 2 भाइयों ने बना दिए सैकड़ों फर्जी डॉक्टर डिग्रियां, बेचकर किया करोड़ों का साम्राज्य खड़ा। जोशीमठ को लेकर इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शहर तेजी से धसना शुरू हुआ। पीस कीपिंग मिशन में 1171 भारतीय जवानों को मिलेगा यूएन मेडल, साउथ सूडान में पहली बार महिला जवान ने किया परेड का नेतृत्व।
रूस में कई कैदियों को सरेआम फांसी दी गई। जंग में यूक्रेनी जवानों पर गोलियां चलाने से किया था मना। कोलंबिया के ओरेका में नियंत्रण को लेकर ईएलएन विद्रोहियों और एफएआरसी लड़ाकों के बीच खूनी संघर्ष, 11 की मौत। अमेरिका के अल्बामा में टॉर्नेडो ने मचाई भीषण तबाही। शहर के सड़कें विराम तूफान से 6 लोगों की मौत। जापान में कोविड की 8वीं लहर, एक दिन में 489 मौतों ने डराया। देश में हालात बेकाबू हुए। फिलीपींस में चिकन से 3 गुना महंगी प्याज, 1 किलो की कीमत 900 रुपए। चीन से तस्करी होकर आ रही है। रूस का दावा, सोलेडार शहर पर हमारा कब्जा का, हमने 500 यूक्रेनी सैनिक मारे। यूक्रेन ने दावे खारिज किए, बोले लड़ाई अभी जारी है। आईएसआईएसके ने लिए काबुल सुसाइड अटैक की जिम्मेदारी। अस्पताल के किचन कैंटीन में हुआ घायलों का इलाज, 20 की मौत। ऑस्ट्रेलिया में निशाने पर हिंदू मंदिर, मेलबर्न के स्वामी नारायण मंदिर के दीवारों पर लिखा हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ईरान ने ब्रिटिश नागरिकों को सुनाई मौत की सजा, परफ्यूम की एक बोतल और शर्ट के बदले खुफिया जानकारी देने का आरोप। अप्रैल से मिलने लगेगी मारुति जिम्नी 11,000 में बुकिंग। टाटा लाइट 2 सिलेंडर वाली पंच, टोयोटा की 2.17 करोड़ की एसयूवी। ऑटो 100 रुपए में सस्ती कार, मारुति ने फ्लेक्स फ्यूल वाली दिखाई कार। टाटा ने 2 सिलेंडर वाली देश की पहली सीएनजी पेश की। अलीबाबा ने पेटीएम में अपनी 3.1% हिस्सेदारी बेची। बल्क डील में कंपनी के 1,125 करोड़ रुपए शेयर बेचे। बारह महीने के निचले स्तर पर महंगाई, दिसंबर में रिटेल महंगाई घटकर 5.72% पर आई। खाने का सामान हुआ सस्ता। अमेजॉन में छंटनी शुरू, भारत के 1,000 कर्मचारियों समेत 18,000 होंगे बाहर। 5 महीने में अग्रिम वेतन देगी कंपनी। डीआरआई ने सैमसंग पर लगाए शुल्क चोरी का आरोप, कहा सैमसंग ने 1,728 करोड़ की सीमा शुल्क चोरी की। सीबीआई ने पीएसएल स्कैम मामले में मुंबई में की छापेमारी, भारी मात्रा में नकद और डॉलर बरामद किए गए। पूर्व वित्त सचिव के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, करेंसी छपाई के लिए टेंडर में अनियमितता का आरोप। संकट से जूझ रहे पाक को यूएई का सहारा, 2 अरब डॉलर के लोन के अलावे 1 अरब डॉलर और देगा। ₹5,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, मुंबई की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज, बीओबी से जुड़ा है मामला। भारत दौरे पर न्यूजीलैंड के टी20 कप्तान होंगे मिचेल सेनेस्टर, विलियमसन सऊदी नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने रद्द किया अफगानिस्तान सीरीज तो नाराज हो गए राशिद खान, दे डाली बिग बैश लीग छोड़ने की धमकी।
सूर्य कुमार यादव की रिकॉर्ड तोड़ने की है आदत, न्यूजीलैंड के खिलाफ हासिल कर सकते हैं ऑल टाइम T20 बेस्ट रैंक। प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव बोले, मैं आईपीएल और T20 में भी तेज गेंदबाजी करता हूं ताकि बल्लेबाज को एक रन मिल सके। अगले साल अपना आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट खेलेंगे वॉर्नर, T20 विश्व कप के बाद से ले सकते हैं संन्यास। विमेंस आईपीएल की रेस से इंदौर अहमदाबाद समेत 10 शहर 5 की हो सकती मिलेगी टीमों की मेजबानी, 25 जनवरी को आमने सामने। भारत ने श्रीलंका से लगातार 10वीं वनडे सीरीज जीती, राहुल की मैच जिताई पारी 4 विकेट से दूसरा मुकाबला। फ्लैग फुटबॉल को ओलंपिक मिलाने की कोशिश, 100 देशों में से 200 करोड़ ज्यादा लोग खेलते हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा पसंदीदा। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच आज स्पेन के खिलाफ, अपने अभियान का आगाज करेगी भारत दशकों में उसका। अक्षर पटेल की जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस, रविंद्र जडेजा पर मदुरई टीम से बाहर होने का खतरा। पान सिंह तोमर के राइटर संजय चौहान का निधन, लीवर की बीमारी से थे पीड़ित, भोपाल में बतौर पत्रकार की थी करियर की शुरुआत। पठान से जुड़े सवाल पर बचते नजर आए जॉन अब्राहम, के आर के ने कहा पठान के फाइनल कट को लेकर अपसेट है जॉन। पति के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई गौहर खान, चेहरे पर साफ दिखा प्रेगनेंसी का ग्लो, फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प।